ये कहानी एक ही गांव में रहने वाले दो परिवार की है। जहां मनोहर गरीब था, वहीं मदनलाल बहुत अमीर था। दोनों की पत्नियां गर्भवती थीं। एक दिन मनोहर की पत्नी सरिता उससे बोली, सुनो जी, मेरी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। मैं चाहती हूँ सब अच्छे से हो जाए। तुम चिंता मत करो, सब अच्छे से होगा। बस मैं चाहता हूँ हमारे घर बेटी हो। ये तो भगवान के हाथ में है, लड़का हो या लड़की। हाँ, तुमने सही कहा, भगवान जो देगा हमें दिल से स्वीकार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ बंगले में मदनलाल अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। देखना शोभा, इस बार भगवान हमारे साथ गलत नहीं करेगा। पता नहीं, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले भी दो बार मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन भगवान ने पैदा होते ही मुझसे मेरी संतान छीन ली। तुम चिंता मत करो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। पैसों में बड़ी ताकत होती है। डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। गांव में ही एक सरकारी अस्पताल था। मनोहर और मदनलाल की पत्नियां उसी अस्पताल में एडमिट थी। मनोहर और मदनलाल की पत्नियों का डिलीवरी का दिन एक ही था। मदनलाल की पत्नी शोभा का चेकअप कर डॉक्टर मदनलाल के पास आया और बोला, मदनलाल जी माफ करना, या तो मैं आपकी पत्नी को बचा सकता हूँ या फिर बच्चे को, क्योंकि दोनों का बचना नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुन मदनलाल परेशान हो गया। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, अगर बच्चे को बचाया तो माँ मर जाएगी, और अगर माँ को बचाया तो वो बच्चे को ना देखकर वैसे ही मर जाएगी। भगवान के लिए इस बार कुछ कीजिए। इतना बोलकर मदनलाल डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था कि आखिर वो क्या करे। डॉक्टर साहब आप सोच क्या रहे हैं, आप मुझसे 5 लाख 10 लाख रुपए जितना चाहे ले लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि माँ और बच्चा दोनों बच जाए। इतने में कंपाउंडर आया और डॉक्टर के कान में कुछ कहा। उसके बाद डॉक्टर मदनलाल से बोला, आप जरा मेरे साथ मेरे कैबिन में आओ, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मदनलाल डॉक्टर के साथ उसके कैबिन में गया। देखिए मदनलाल जी, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारी पत्नी की गोद में इस बार हंसता खेलता बच्चा होगा। क्या सच में? बताइए ना डॉक्टर साहब। इसी अस्पताल में एक औरत ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है, अभी तक उन्हें ये नहीं पता। अगर आप चाहें तो एक बच्ची मैं आपको चुपके से दे सकता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब। उस अस्पताल में मनोहर और सरिता की दो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर चुपके से एक बच्ची को मदनलाल की पत्नी शोभा के वार्ड में सुला देता है। जब शोभा की आंखें खुलती है तो अपने बगल में प्यारी सी बच्ची को देखकर बहुत खुश होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इतने में वहाँ मदनलाल आया और बोला, शोभा आज से तुम खुश हो ना, हमारे घर आज एक बेटी ने जन्म लिया है, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मदनलाल और मनोहर अपनी अपनी पत्नियों और बच्ची को लेकर घर आए। मनोहर और सरिता ने अपनी बेटी का नाम माला रखा। माला जहां गरीब परिवार में पल बढ़ रही थी, वहीं उसकी जुड़वा बहन तारा एक अमीर परिवार में बड़ी हो रही थी। गांव के सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। तारा और माला भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थी कि वो दोनों सगी बहने हैं। एक दिन माला तारा से बोली, तारा क्या तू मेरी सहेली बनोगी? दूर हट मुझसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि मैंने तुझ जैसी भिखारिन से बात की तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। मैं भिखारी नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है जितने भी लोग गरीब होते हैं वो सब भिखारी होते हैं। माला से स्कूल का कोई भी बच्चा बात नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब घर से थी। तारा अपनी सहेलियों के साथ अक्सर रामू काका की दुकान से समोसे खाया करती थी और माला उन्हें दूर से देखा करती थी। मेरा भी समोसे खाने का मन करता है, लेकिन मैं बाबा से नहीं कह सकती, वो वैसे ही परेशान रहते हैं। तभी तारा गुस्से से रामू काका से बोली, अरे रामू काका, आज आपने कितने घटिया समोसे बनाए हैं, एकदम बकवास, नहीं खाने मुझे ये समोसे, तुम सब भी समोसे फेंक दो। तारा की और उसकी सहेलियां अपने अपने समोसे डस्टबिन में फेंक देती हैं और बिना पैसे दिए वहां से चली जाती हैं। रामू काका उन्हें पुकारता रह जाता है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती। दूर से देख रही माला बोली, ये लोग तो खाने का कितना अपमान करते हैं, इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। माला चुपके से डस्टबिन के पास गई और सारे समोसे उठाकर एक कोने में बैठकर और एक एक कर समोसे खाने लगी।
लेकिन तभी रामू काका दूर से ही माला को समोसे खाते देख लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, कितना अंतर है इन दोनों बच्चियों में। माला के माता पिता खेतों में काम करके मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मदन लाल की बेटी तारा बहुत घमंडी हो चुकी थी, जबकि दोनों सगी बहने हैं, पर इस बात से दोनों अभी तक अनजान हैं। एक दिन तारा अपनी सहेलियों से बोली, अरे देखो देखो, वो गरीब लड़की इस तरफ आ रही है। अरे हाँ यार, ये तो वही है ना जो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। हाँ चलो, आज मिलकर इसे मजा चखाते हैं, फिर आइंदा से कभी दोस्ती तो दूर की बात है, मेरे सामने खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं करेगी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, तारा ने माला को रोकते हुए कहा, अरे माला, तुम घर अकेले जाती हो क्या? हाँ मैं तो रोज अकेली ही पैदल घर जाती हूँ, क्योंकि कोई मुझसे बात ही नहीं करता। तो फिर ठीक है, आज से तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, आज से हम सब दोस्त हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, हम सभी सहेलियाँ स्कूल के पीछे जो जंगल है वहाँ अमरूद तोड़कर खाने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। माला खुश होते हुए तारा और उसकी सहेलियों के साथ स्कूल से थोड़ी दूर एक जंगल में चली गई। थोड़ी दूर चलने के बाद तारा और उसकी सहेलियाँ धीरे धीरे चलने लगी। वहीं माला खुशी खुशी उछलते कूदते आगे आगे जंगल में चलती जाती है। तभी अचानक माला दलदल में जा गिरी। वो मदद के लिए तारा को पुकारने लगी, तारा बचाओ मुझे, मैं दलदल में डूब रही हूँ। ये देख तारा हंसते हुए बोली, बड़ा मजा आया, यही तो मैं चाहती थी, चलो गर्ल्स यहाँ से चलते हैं। तारा हंसते हुए अपनी सहेलियों के साथ उस जंगल से चली गई। वहीं उसकी सगी बहन माला दलदल में डूबने लगती है। वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। तभी तारा अचानक एक पेड़ पर से सुनहरे रंग का फ्रॉक माला के ऊपर गिर जाता है। माला उस फ्रॉक को पकड़कर दलदल से बाहर आ गई। तभी अचानक फ्रॉक में से आवाज आई, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। फ्रॉक को इस तरह बोलता देख माला हैरानी से बोली, अरे ये फ्रॉक तो बोल रही है। हाँ मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जादुई सोने की फ्रॉक हूँ। इस फ्रॉक में एक पॉकेट है, इसमें से जितनी भी पैसे निकालती जाओगी कभी खत्म नहीं होगा। माला खुशी खुशी जादुई सोने का फ्रॉक लेकर घर पहुँची और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके बाद वो बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत बड़े घर में रहने लगे। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन माला अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी सड़क पर फटे हाल कपड़ों में खड़ी तारा की नजर कार में बैठी माला पर पड़ गई। अरे ये तो माला है, माला माला। ये कहते हुए तारा माला को पुकारते हुए कार के पीछे भागने लगी। तभी उसकी आवाज सुन माला के पिता मनोहर ने कार रोक दी। तभी तारा माला के पास आई और बोली, अरे माला, तुम तो पूरी तरह बदल गई, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? मुझे उस जंगल वाली घटना के बाद बहुत पछतावा हुआ। मैं दोबारा वापस आई थी लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया, इसलिए अब मैं उस स्कूल में नहीं आती हूँ, और तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। इतने में तारा का पिता मदन लाल भी वहाँ आ पहुँचा। मदन लाल की हालत पहले से बहुत खराब हो चुकी थी, उसका सारा धंधा चौपट हो चुका था, इस वजह से वो अब बहुत गरीब हो चुका था। तारा बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, ये मेरी सहेली माला है और ये उनके पिता। मनोहर और सरिता को देखते ही मदन लाल उन्हें पहचान गया और फिर उनसे बोला, क्या मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, इसलिए अब मेरा सारा बिजनेस चौपट हो चुका है। मैं सब कुछ पैसे को ही मानता था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वरना जिंदगी भर मेरे अंदर बोझ बनकर रहेगा। आखिर आप हमें ऐसा क्या बताना चाहते हैं? मैं आपका कर्जदार हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में आपकी एक नहीं बल्कि दो जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई थी। अगर आप चाहें तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था, लेकिन मैंने ये बात उससे छुपा कर रखी और डॉक्टर को 5 लाख रुपए देकर चुपके से मैंने आपकी एक बेटी ले ली। इसका मतलब माला और तारा दोनों सगी बहने हैं? हाँ भाई साहब। ये बात सुन तारा खुश होते हुए बोली, क्या कहा आपने, माला मेरी बहन है,
मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा, मैंने अपनी ही बहन के साथ कितना गलत किया। आखिरकार तारा और माला को पता चल ही गया कि वो दोनों सगी बहनें हैं। उसके बाद मनोहर मदनलाल के बिजनेस में उसकी मदद करता है और फिर दोनों परिवार हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहने लगे। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में एक धनी सेठ सोहनलाल अपनी पत्नी मालती और अपने तीन लड़के राकेश, सुरेश और मोहन के साथ रहा करता था। सेठ के तीनों लड़के अच्छी नौकरी किया करते थे, परंतु सेठ की पत्नी मालती बहुत ही लालची स्वभाव की महिला थी। मालती अपने तीनों लड़कों की शादी बहुत ही अमीर लड़कियों से कराना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, हमारे तीनों लड़के बड़े हो गए हैं और उनकी अच्छी नौकरियां भी लग गई है, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। पहले अपने तीनों लड़कों से तो पूछ लो। उनसे क्या पूछना, मेरी पसंद ही उनकी पसंद होगी। मैं अपने लड़कों के लिए एक अमीर घर की लड़कियां ही ढूंढूंगी। जिसके बाद मालती अपने बेटों के लिए अमीर घर की लड़कियों के रिश्ते ढूंढने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन मालती की एक सहेली उसे एक अमीर घर की दो बहनों के बारे में बताती है, जिसके परिवार वाले बहुत अमीर होते हैं। मालती बिना देर लगाए अपने दोनों बड़े बेटे राकेश और सुरेश की शादी कोमल और प्रिया नाम की लड़कियों से करा देती है। मालती की दोनों बहुएं अपने साथ बहुत सारा दहेज, धन दौलत और गाड़ियां भी लेकर आई थी। मुझे अपने दोनों बेटों के लिए दो अमीर घर की लड़कियां मिल गई, जो अपने साथ बहुत धन दौलत और गाड़ियां भी लेकर आई है। बस अब मुझे अपने छोटे बेटे मोहन के लिए भी एक अमीर घर की लड़की की तलाश है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन, माँ, मुझे अपने काम के कारण एक हफ्ते के लिए बिलासपुर गांव जाना है, आप मेरा सामान पैक कर दो। इस बार तो मैं तेरा सामान पैक कर देती हूँ, लेकिन अगली बार मैं तेरी भाभियों की तरह तेरे लिए भी एक अमीर घर की लड़की ढूंढ कर ले आऊंगी, जो तेरा सामान पैक करे। मोहन अपने काम के लिए एक हफ्ते के लिए बिलासपुर के लिए निकल जाता है। बिलासपुर में मोहन की मुलाकात सीता नाम की एक लड़की से होती है। मोहन को सीता से पहली नजर में प्यार हो जाता है। सीता एक गरीब किसान की बेटी थी। वो दयालु व संस्कारी स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। मोहन भी एक सीधा साधा किस्म का लड़का था, जिस वजह से सीता की इन खूबियों को देखकर मोहन को सीता भा जाती है और सीता भी अपने मन का वर पाकर खुश होती है। जिसके बाद मोहन सीता से गांव के मंदिर में शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। जब मालती इतने दिनों बाद मोहन को देखती है तो बहुत खुश होती है, परंतु जब वो मोहन के साथ एक लड़की को देखती है तो मोहन से पूछती हुई कहती है, ये लड़की कौन है मोहन? माँ, ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। मोहन, तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? माँ, मैं जानता था कि आप एक गरीब घर की लड़की को स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए मैंने मंदिर में जाकर सीता से शादी कर ली। सीता बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है, ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। एक तो तूने बिना कुछ बताए छुपकर शादी कर ली और वो भी एक गरीब लड़की से। तू जानता था ना मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने सजाए थे। मैं तेरे दोनों भाइयों की तरह तेरे लिए भी अमीर घर की लड़की लाना चाहती थी, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। इस गरीब घर की लड़की को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मेरी दोनों भवे बहुत सारा धन दौलत और गाड़ियां लेकर आई है, पर ये सीता खाली हाथ आ गई। पर माँ, मोहन कुछ कहता कि उससे पहले ही मालती वहाँ से चली जाती है। सीता को पूरे घर में मोहन के अलावा कोई नहीं चाहता था। मालती और उसके दोनों बहुएं सीता से नफरत करती थी और इसका कारण था सीता की गरीबी। दिन ऐसे ही बीतते हैं। अब मालती और मालती की दोनों बहुएं सीता पर अत्याचार करने लगी थी। मालती और उसकी दोनों बहुएं घर का कुछ काम नहीं करती थी। वो दोनों सारा दिन बैठकर टीवी देखती और शॉपिंग किया करती थी। सीता ही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई इत्यादि। प्रिया और कोमल सीता को उसकी गरीबी के लिए अक्सर ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मेरी दोनों बहुएं टीवी देख रही हो तो तुम यहाँ पर मत आया करो, जाओ रसोई में जाकर हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आओ। सीता चुपचाप घर का सारा काम करती थी और किसी से कुछ शिकायत भी नहीं करती थी। एक दिन सोहनलाल मालती से कहता है,
मालती, मैं देख रहा हूँ जब से छोटी बहू सीता हमारे घर में आई है तुम उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही हो। उससे ही घर के सारे काम करवाती हो और उसे बात बात पर गरीबी का ताना देती रहती हो। तुम प्रिया और कोमल को घर का काम करने के लिए क्यों नहीं कहती? देखो मालती, हमारे लिए तीनों बहुएं समान हैं। इसमें गलत क्या है? हमारे दोनों बहुएं बहुत अमीर परिवार से आई है, उन्हें घर के काम करने थोड़ी ना आते होंगे। और ये सीता ठहरी गरीब किसान की बेटी देखने से ही नौकरानी लगती है, उसे घर के काम करने के अलावा आता ही क्या है? उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी जो इस परिवार की बहू बनती? वो तो मेरे बेटे के कारण मुझे इसे झेलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से ही करती। ऑफिस से लौटकर आया मोहन ये सब बातें सुन लेता है। आप सीता के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए माँ, वो गरीब है तो क्या हुआ, बहुत गुणी और संस्कारी भी तो है, दूसरों की मदद करती है, उसका मन बहुत साफ है, उसके मन में सबके लिए दया है। माँ आप एक बार सीता की गरीबी से हटकर उसकी अच्छाइयाँ समझने की कोशिश कीजिए। चुप कर, बड़ा है अपनी बीवी के तरफ दारी करने वाला, तू मुझे ये मत बता कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इतना बोलते ही मालती वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद होली का त्योहार आने वाला था। मालती के घर के रिवाज के अनुसार तीनों बहुएं शादी के बाद पहली होली के लिए अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। तीनों बहुएं अपना अपना सामान पैक करके अपने अपने मायके जाने के लिए घर से निकलने लगती है कि तभी मालती कहती है, आराम से जाना और एक हफ्ता तो क्या 10-15 दिन रुक के आना और अपना ध्यान रखना, सभी को मेरा नमस्ते कहना और जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। इतना कहकर मालती कोमल और प्रिया को उनके घर के लिए विदा करती है। प्रिया और कोमल के पापा ने उनके लिए महंगी गाड़ियां ड्राइवर के साथ भेज रखी थी। प्रिया और कोमल उस गाड़ी में बैठकर अपने मायके के लिए चल देती है। रुकी क्यों है तू यहाँ पर? तेरे लिए यहाँ कोई गाड़ी नहीं आने वाली है। यहाँ से कुछ दूर पर बस स्टेशन है, वहीं से बस पकड़ के अपने गांव को चली जा। और सुन, एक दो दिन में ही लौट आई हो, यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा है, वो काम तुझे ही करना है। इतना कहती ही मालती बेहोश हो जाती है। सीता उसे पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। माँ जी, माँ जी क्या हुआ आपको? सीता मालती को पकड़कर किसी तरह उसे बेड पर लेटा देती है और तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आकर मालती को चेक करते हैं और चेक करने के बाद डॉक्टर सोहन लाल से कहती है, इनका बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, अब आप लोग को इनका खाने पीने और दवाइयों का विशेष ध्यान रखना होगा। समय पर दवाइयां देनी होगी और जितना हो सके उतना आराम करने देना और बिस्तर से बिल्कुल भी उठने मत देना, वरना आगे जाकर इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से सीता मालती का विशेष रूप से ध्यान रखने लग जाती है, सही समय पर खाना और सही समय पर दवाइयां देने लगती है। सभी जिम्मेदारियां उसने अकेले अपने कंधों पर ले ली थी। अब सीता घर के कामों के साथ साथ मालती का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। सही समय पर दवाइयां और पौष्टिक खाना खाने की वजह से कुछ ही समय में मालती पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। दोनों बहुएं प्रिया और कोमल भी कुछ दिनों के बाद अपने मायके से वापस आ जाती है। सीता, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ, मेरे कारण तुम अपने मायके भी नहीं जा पाई, अब तुम अपने मायके जा सकती हो। माँ जी, मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ समान हो, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, मैंने हमेशा आप में अपनी माँ को देखा है, मैंने दिल से आपको अपनी माँ माना है। जिस दिन से मैं मोहन जी के साथ शादी करके इस घर में आई हूँ, उस दिन से ये घर मेरा हो गया और आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी तबीयत जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं गाँव कैसे जा सकती हूँ। सीता की निस्वार्थ सेवा और उसके ये शब्द सुनकर मालती को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो सीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैं पैसों के लालच में अंधी हो चुकी थी, मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही सब कुछ हम पा सकते हैं, परंतु तुम्हारे प्यार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर आज मुझे एहसास हुआ कि जीवन में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है, बहू तो बेटी के समान होती है। मैंने अपनी दोनों बहुओं को तो बेटी माना, लेकिन तुम्हें कभी अपनी बहू तक नहीं माना, आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। पास में खड़ी दोनों बहुओं में से बड़ी बहू प्रिया कहती है, माँ जी आपने सही कहा, हमने भी सीता के साथ सही व्यवहार नहीं किया, सबसे छोटी बहू होकर भी इसने वो सब कुछ किया जो हम दोनों बड़ी बहुएं मिलकर भी नहीं कर पाई। हाँ सीता, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, प्लीज तुम मुझे और प्रिया दीदी को माफ कर दो।
सीता बड़ा दिल रखकर उन दोनों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से मालती सीता को भी अपनी दोनों बड़ी बहुओं के समान रखने लगती है। उस दिन के बाद से तीनों बहुएं एक साथ मिलकर घर का काम करने और आपस में बहुत प्रेम से रहने लगती है। अपनी तीनों बहुओं को एक साथ काम करते देख और आपस में प्रेम से बात करते देख मालती बहुत खुश होती है और सीता जैसी छोटी बहू के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती है। नागलोक में चंदा और प्रथा नाम की दो नागिन बहनें रहती थी। उन दोनों बहनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, परंतु उनकी शक्ल अलग अलग थी। चंदा एक सुलझी और समझदार नागिन थी, तो वहीं प्रथा घमंडी और नकचुड़ी नागिन थी। वो बस सुंदर और अच्छे दिखने वाले लोगों से ही बात करना पसंद करती थी। एक दिन दोनों बहनें नागलोक के नदी किनारे बैठकर अपने बालों को धो रही होती है, तभी वहाँ पर काली नागिन आती है और चंदा से बोलती है। चंदा, प्रथा, कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो काली नागिन? आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे अपने आकार को बड़ा करने वाला जादू सीखना था, क्या तुम दोनों मुझे सिखा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझसे अच्छा ये जादू प्रथा को आता है, तुम उसी से सीख लो। प्रथा, क्या तुम मुझे वो जादू सिखा दोगी? तुम मेरे से बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझसे बात करने में तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, मुझे बहुत परेशानी है, कहाँ मैं इतनी सुंदर और तुम इतनी काली। चंदा, काली नागिन का जादू तुम्हें सिखाना है तो सिखाओ, लेकिन मुझे सिखाने को मत बोलो। इतना कहकर प्रथा वहाँ से चली जाती है। फिर काली नागिन को रोते हुए देख चंदा कहती है, काली नागिन, प्रथा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं तुम्हें वो जादू सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद चंदा काली नागिन को अपना आकार बड़ा करने वाला जादू सिखाती है। इसी तरह समय बीतता है। पूरे नागलोक में जहाँ चंदा सबकी मदद करती, वहीं प्रथा सबसे लड़ाई करती रहती थी। इसी तरह एक दिन प्रथा और चंदा के बचपन का दोस्त राकेश उनसे मिलने आता है, जिसे देखकर प्रथा की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन राकेश बचपन से ही चंदा से प्यार करता था। आते ही राकेश सबसे पहले चंदा से कहता है, चंदा, तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी तुम बचपन में हुआ करती थी। शुक्रिया राजेश। तभी प्रथा एकदम से बोल पड़ती है, अच्छा, तुम सिर्फ चंदा की तारीफ करने आई हो, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, बस तुम्हारी नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई है क्योंकि 24 घंटे इस पर गुस्सा जो रहता है। राकेश की बात सुनकर चंदा हंसने लगती है। ये देखकर प्रथा को गुस्सा आता है और वो अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपनी आंखों को लाल करके गुस्से में बोलती है, मेरी जुड़वा बहन होकर तुम मेरे ही मजाक पर हंस रही हो। तभी एकदम से राकेश कहता है, अरे अरे प्रथा, तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। राकेश की बात सुनकर प्रथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी राकेश चंदा से कहता है, बाप रे, कितना गुस्सा आता है प्रथा को, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। मेरे लिए तो ये सब साधारण है, ये प्रथा का रोज का ही है, तुम तो जानते हो ना उसको कितना गुस्सा आता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और राकेश और चंदा की नजदीकियां बढ़ने लगती है, तो वहीं प्रथा के मन में भी राकेश को लेकर प्यार बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब राकेश और चंदा सांप के रूप में ठहर रहे होते हैं, तभी अचानक से चंदा की पूंछ एक पत्थर से दब जाती है। फिर चंदा अपने इंसानी रूप में आती है, उसके पैरों में जरा चोट लग गई थी। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा खून निकल रहा है। अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। राकेश चंदा के घाव को साफ करता है और कहता है, बहुत दर्द हो रहा है क्या चंदा? नहीं नहीं, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। इतना कहकर राकेश चंदा के पैरों को चूम लेता है। ये सब देख चंदा कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चंदा, मैं चाहता हूँ हमारा ये साथ जन्मों जन्म तक हो जाए। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन कभी तुम्हें कह नहीं पाया। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद एक साथ नृत्य करने लगते हैं और उनको ऐसा करते हुए प्रथा देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है और खुद से ही बोलती है, मेरी ही बहन होकर मेरा ही घर उजाड़ रही है। क्या इसे इतना नहीं पता कि मैं राकेश से कितना प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी भी हाल में पाना चाहती हूँ, फिर भी ये उसके साथ नृत्य कर रही है। अब मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी और राकेश को तो मैं पाकर ही रहूँगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, राकेश मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके बाद प्रथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और राकेश को पानी की आग उसके मन में चंदा के लिए नफरत पैदा कर देती है। अपनी शक्तियों को चार गुना बढ़ाने के लिए प्रथा घोर तपस्या करती है। इसके लिए वो बिना किसी को बताए दूर बर्फीली पहाड़ी के ऊपर शिव मंदिर के पास बैठकर तपस्या करने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिना कुछ बताए प्रथा के गायब हो जाने की वजह से चंदा बहुत परेशान हो जाती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। चंदा अपनी बहन को हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। एक दिन चंदा राकेश से कहती है, प्रथा ने पहली बार ऐसा किया है, इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया, उसे गुस्सा बहुत आता है लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है। चंदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रथा आ जाती है और कहती है, चंदा देखो मैं आ गई। मेरी बहन तुम इतने महीनों से कहाँ थी, क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? मैं शिव जी की तपस्या करने गई थी, मैंने कभी किसी नाग नागिन से ठीक से बात नहीं की और मेरे कर्म भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गई थी। अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, अब मैं सभी से विनम्र होकर बात करूँगी। इतना कहकर प्रथा वहाँ से चली जाती है। चंदा अपनी बहन के वापस आ जाने से बहुत खुश थी, लेकिन राकेश को प्रथा के बदले व्यवहार को देखकर उस पर थोड़ी शंका हो रही थी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और प्रथा नागलोक में सभी से बहुत हंसकर बात करती थी। एक दिन चंदा अपनी गुफा में आराम कर रही थी, तभी तपस्या से प्राप्त की हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रथा राकेश का रूप लेकर वहां आती है और कहती है, चंदा आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, न जाने क्या अनहोनी होने वाली है, क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ? क्यों नहीं राकेश। फिर वो चंदा को गले से लगा लेता है। उसके बाद राकेश का रूप ली हुई प्रथा चंदा पर एक खंजर से वार कर देती है, तभी चंदा दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर जाती है। उसके गिरते ही प्रथा वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अपनी बहन को देख चंदा कहती है, प्रथा मेरी बहन तुमने ये सब क्यों किया? क्यों ना करती मैं ऐसा, आज तक सबका प्यार सिर्फ तुम्हें मिला है। मैंने सिर्फ एक लड़के से प्यार किया लेकिन तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। थोड़ी देर बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर राकेश सिर्फ मेरा होगा। अब मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ, इतने महीने तपस्या करके मैंने यही हासिल किया है। इतना कहकर प्रथा चंदा का रूप ले लेती है और सीधा राकेश के पास चली जाती है और उसके गले लग जाती है। गले लगने पर राकेश को कुछ अजीब सा फील होता है, तभी उसकी नज़र चंदा के पैरों पर जाती है। वो देखता है कि कुछ दिन पहले चंदा के पैर पर जो चोट लगी थी वो गायब है। राकेश को समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत चंदा के बाल पकड़ लेता है और कहता है, कौन है तू, सच सच बता वरना मैं तेरा बाल कभी नहीं छोड़ूंगा। राकेश मैं तुम्हारी चंदा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? झूठ मत बोल, तू मेरी चंदा है ही नहीं, बता मेरी चंदा किस हाल में है। उसके बाद प्रथा अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें सिर्फ वो चंदा पसंद है, ऐसा क्या है उस चंदा में जो मुझ में नहीं है? दिल, एक साफ दिल जो उसके पास है और तुम्हारे पास नहीं है। तुमने जो हरकत की है अगर तुम्हारी जगह वो होती तो कभी नहीं करती, बस यही फर्क है तुम दोनों में। इतना कहकर राकेश भागता हुआ गुफा में जाता है। वो देखता है कि चंदा जख्मी हालत में पड़ी हुई है। वो तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको ठीक करता है।
उसके बाद राकेश नागराज से प्रथा की शिकायत करता है। नागराज प्रथा की सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंदी बना लेते हैं। और दूसरी तरफ राकेश और चंदा जंगलों में घूम घूम कर अपना जीवन हंसी खुशी और प्यार से व्यतीत करने लगते हैं।